हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचयूएल जगदलपुर। आज हम एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड फीचर्स जानेंगे। वो है एचपी का मोस्ट अवार्डेड मोस्ट फीचर लैपटॉप है, एचपी स्पेक्टर 13 X360 टच स्क्रीन। जी हाँ, ये लैपटॉप बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, प्रीमियम सुपर प्रीमियम सेगमेंट में आता है। ये लैपटॉप देखेंगे आप जो है तो बहुत अच्छा लगेगा, फील गुड होगा, क्योंकि इसके जो फीचर्स है फ्रेंड्स वो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आए हैं। ऐसा फीचर्स आपको इवन मैकबुक में भी देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये मॉडल कौन सा है, फीचर्स क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ। देखो एचपी का स्पेक्टर का लोगो, क्या शानदार लोगो दिया है बॉक्स के ऊपर ही, व्हाइट कलर का कितना शानदार बॉक्स दिया गया है इसका। यहाँ पर भी एचपी स्पेक्टर का एम्बलम दिखा रहा है, साइड में एचपी स्पेक्टर लिखा हुआ। ये अनबॉक्सिंग करने से पहले ही इसमें एक्साइटिंग जो है वो एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसका फीचर्स। देखो कितना बेहतरीन कलर है इसका, नॉकटर्न ब्लू कलर है फ्रेंड्स इसका। और ये वाव फीलिंग आता है लैपटॉप में, एचपी स्पेक्टर में, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ना, वाव फीलिंग आता है। देखो वाव क्या लैपटॉप है ये लैपटॉप। अगर आपके हाथ में रहेगा, आप काम करेंगे, तो हर कोई जो है आपको तारीफ के नहीं रह पाएगा कि कितना कौन सा लैपटॉप है भाई ये करके। इसका जैसे एजेस देखिए आप, कितना शार्प एजेस है, ब्लू कलर का जबरदस्त लैपटॉप दिख रहा है ये। फुल मेटल बॉडी है, 1.3 kg इसका जस्ट वेट है, तो लाइट वेट के साथ है, फुल डे बैटरी बैकअप है, मेटल बॉडी है, और इसमें पोर्ट जो है वो थंडरबोल्ट पोर्ट दिया गया है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है इसका। दो थंडरबोल्ट पोर्ट है और OLED है ये फ्रेंड्स। ये टच स्क्रीन के साथ है, 360 कन्वर्टेबल टच स्क्रीन है, 5 MP का कैमरा और OLED के साथ आता है ये, तो कितना बेहतरीन लग रहा है। डिस्प्ले की बात करूँ तो ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है इसका। देखो कितना बेहतरीन बॉडी शेप है इसका, क्या डिज़ाइन है, एचपी स्पेक्टर, स्पेक्टर का खासियत, लोगो, सब कुछ इसमें बेहतरीन है। बीनो का ऑडियो स्पीकर है। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें साथ में क्या आता है वो देख लेते हैं एक नज़र में, तो थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। इसके साथ आपको मिलेगा टाइप सी चार्जर, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, पावर बैंक जैसा। ये 65 वाट का टाइप सी चार्जर है, ये इसके साथ इनबॉक्स आता है। और इसके साथ जो आता है वो आता है ये पेन आता है स्टाइलस, आप जो है ये भी रिचार्जेबल टाइप सी पेन है, एक बार चार्ज करेंगे तो एक महीने तक का बैकअप रहेगा। और पावर केबल इसको साथ में आता ही है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसका फीचर्स और खासियत जो है जो मैं बताया हूँ इसके साथ। फ्रेंड्स इस लैपटॉप में, इस एचपी स्पेक्टर में कुछ AI फीचर्स रहते हैं, जैसे ग्लैम कैम रहता है, ऑटो फ्रेम टेक्नोलॉजी है, ये सारे स्पेशल फीचर्स है इसमें। बैकलिट कीबोर्ड तो है ही इसमें, आप देख सकते हो ये लो ब्लू लाइट में जो है ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है। फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ये सब के साथ ये जो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आता है ये। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इंटेल ईवो का प्रोसेसर है, i7 13th Gen, जो कि एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है, ईवो प्रोसेसर है, और ईवो प्रोसेसर अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर जिसको हम जानते हैं। और देखो आपको इसका प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ये देखो आप i7 13th Gen का लेटेस्ट प्रोसेसर है, 16 GB रैम के साथ आता है ये, है ना, विंडोज 11 के साथ, और 1 TB का स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज भी आप जो है इसमें कभी भी आपको स्टोरेज कम नहीं होगा, 1 TB का पूरा स्टोरेज है इसमें। टच स्क्रीन लैपटॉप है, बहुत शानदार टच स्क्रीन है, स्मूथ टच इसमें काम करता है। देखो एज अ पे टैबलेट, एज अ लैपटॉप आप इसको यूज़ आसानी से कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो 5 MP का कैमरा है, ग्लैम कैम के साथ आता है ये। देखो कैमरा क्वालिटी कितना बेहतरीन कैमरा क्वालिटी है, 5 MP ऑटो फ्रेम के साथ है। अगर मैं ये जो अगर मैं साइड में आता हूँ तो ये जो लैपटॉप मुझे फ्रेम पे ही रखेगा, ये होता है ऑटो फ्रेम। और ग्लैम कैम है, अगर मैं वीडियो कॉल हो रही है मेरी या किसी से जूम मीटिंग चल रहा है तो मैं ग्लैम कैम के थ्रू कैमरा जो क्वालिटी है उसको मैं एनहेंस कर सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी है इसका, ये आप देख चुके हैं। तो ऐसा लैपटॉप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लाइट वेट जिसका हो, कैमरा क्वालिटी अच्छा हो, फीचर्स काफ़ी अच्छा हो, और
आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे करके पेन आता है साथ में, आप इसे इजी टैबलेट मोड पे आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया टैबलेट मोड में कन्वर्ट, हम इसको जैसे भी करना चाहें इसको आप आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट मैं अभी यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन टैबलेट का यूज़ जो है जनरली पेन का यूज़ जो है वो ऐसे ही होता है, जैसे ऐसे करके आप उसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आपके घर में बच्चे हैं अगर तो आपको कर्सिव राइटिंग करना है बच्चों को, या कुछ आपको पेन पे कट करके कुछ एडिट करना है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप इसमें भी आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, 400 का ब्राइटनेस है इसका, और 100% sRGB है, तो आपको अगर कलर एक्यूरेशन जो भी है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। कैमरा म्यूट माइट बटन है, ऑनबोर्ड कीबोर्ड में क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। आप देखो कीबोर्ड में ऑनबोर्ड पावर कीबोर्ड पावर बटन है, यहाँ पे कैमरा है, कैमरा शटर है, आप प्राइवेसी के लिए आप कैमरा शटर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। म्यूट माइक बटन है, आपको अगर जूम मीटिंग चल रहा है तो आप यहाँ से माइक को म्यूट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट है, बैकलिट कीबोर्ड है, नॉकटन ब्लू कलर का ये लैपटॉप है, और बैंग एंड ऑप्शन बीनो का इसका स्पीकर भी दिया गया है, और HP ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट चार्ज है, HP स्लीप एंड चार्ज है। आपको लैपटॉप जो है 50% चार्ज जस्ट 30 मिनट में हो जाएगा, और फुल डे बैटरी बैकअप है। तो ये लॉन्गर बैटरी के साथ लाइट वेट के साथ ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है स्पेक्टर का, मॉडल नंबर है इसका EF2033TU। और जो बता रहा था मैं स्पेशल फीचर्स के बारे में, AI फीचर्स के बारे में, वो हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स है वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखो ये HP कमांड सेंटर में हम जाके इसको इनेबल कर सकते हैं, देखो ये है पहला सिस्टम कंट्रोल। अगर आपको बैलेंस मोड पे काम करना है तो ये कर सकते हैं, कूल रखना लैपटॉप को तो ये आप कर सकते हैं, पावर सेविंग मोड पे कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मोड पे कर सकते हैं, ऐसा आप उसको स्मार्ट सेंस है। टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे कूल या वार्म जैसा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ग्लैम कैम है ये देखो, एनहेंस कैमरा क्वालिटी प्रीव्यू अगर मैं ऑन करता हूँ तो एक ग्लैम कैम है, ये कैमरा क्वालिटी जो है ये एनहेंस करता है। ऑटो फ्रेम है, अगर मैं ऑटो फ्रेम को ऑन किया तो ये मैं लैपटॉप अगर मैं साइड पर भी रखता हूँ तो ये मुझे फ्रेम पर ही रखेगा। ये उन कस्टमर के लिए बेहतरीन साबित होता है जिनका जो है जूम मीटिंग चल रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे साइड में कुछ काम करना है तो भी ये कैमरा जो है मुझे फ्रेम पे ही रखेगा। देखो मैं इधर आता हूँ तो भी ये कैमरा जो है मुझे साइड पे फ्रेम पे ही रख रहा है, तो कहीं भी चला जाऊँ मुझे फ्रेम पे ही रखेगा। तो ये होता है ऑटो फ्रेम। ये किसी भी लैपटॉप में अभी तक दूसरे ब्रांड में ये फीचर जो है अवेलेबल नहीं है, सिर्फ HP के स्पेक्टर सीरीज में है। तो ये फीचर तो बहुत अच्छा है मुझे लगा, आपको कैसा लगा मैं बताइए। देन आता है नेटवर्क बूस्टर है, आप अगर नेटवर्क को कौन से यूज़ को कौन से एप्लीकेशन कितना नेटवर्क देना है कि आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी सिस्टम कंट्रोल यही है इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ग्लैम कैम ऑटो फ्रेम मैंने बता दिया, वेट बता दिया इसका, प्राइस तो जैसे नाम से इससे अकॉर्डिंग है HP स्पेक्टर लैपटॉप 13 X60 OLED के साथ ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा है दिखने में, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ कि टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा है और कैसा ये फील होता है। देखो ये लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ तो काम करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग आ रहा है, रिच लुक दे रहा है ये लैपटॉप, और रिच फीलिंग भी आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि वाकई में मेरे हाथ में मेरे पास लैपटॉप में वाकई में बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप मेरे पास है HP स्पेक्टर 13। वाओ यार सो गुड, इसका कैमरा क्वालिटी, ब्राइटनेस, फीचर्स, टच स्क्रीन, ऑडियो काफ़ी अच्छा है, टू गुड। मैं तो हर एक जो कस्टमर है जो अगर कुछ अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं वन एक ही बार में लेना चाहते हैं तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप HP स्पेक्टर लैपटॉप लीजिए। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है आपको अपने वर्क के लिए और काफ़ी इजी बनाना है तो आप HP स्पेक्टर आप ये लैपटॉप आप ले सकते हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं,
तो इसका ऑडियो क्वालिटी देख लेते हैं आप, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ। देखो मैं जो बोल रहा था वो पूरा यहाँ पे शो हो रहा, क्या मस्त डिस्प्ले क्वालिटी है इसका OLED। अगर आपको कैजुअल गेमिंग करना है, इसमें एडिटिंग करना है, तो आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, कलर क्वालिटी जो है, कलर एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है। देखो इसका ऑडियो क्वालिटी जो है, वीडियो क्वालिटी देखिए फ्रेंड्स। अगर आप इसमें मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, या फिर कोई अपना पर्सनल वर्क करते हैं, तो कितना अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो क्वालिटी इसका। 4K वीडियो प्ले करने में कितना बेहतर रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप हम देखें तो इसका HS जो है वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि HP Spectre लैपटॉप वन ऑफ द यूनिक लैपटॉप है। प्रीमियम सेगमेंट, सुपर प्रीमियम सेगमेंट में बहुत सेल होता है। HP का सबसे बेहतरीन मॉडल में से एक है HP Spectre। गेमिंग सेगमेंट में जाएँ तो फिर ओमेन, और प्रीमियम सेगमेंट जाएँ तो HP Spectre आता है। देखो आप एज अ टैबलेट यूज कर सकते हैं, एज अ लैपटॉप यूज कर सकते हैं, एज अ टिल्ट मोड आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गया टैबलेट मोड, देखो फ्रेंड्स। ये था HP Spectre 20330U का रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट वीडियो। हमने बताया आपको HP Spectre के कुछ फीचर्स, स्पेशल फीचर्स और इसका दमदार क्वालिटी। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच।